सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारत में दवाओं पर औषधियों पर काम करने वाली ये सबसे बड़ी संस्था है। तो इनके यहां सबसे पहला टेस्टिंग हुआ, शीशी में भरा गोमूत्र हमने दिया और तीन चार तरह के गोमूत्र दिए, एक तो वो जर्सी गाय होती है ना, जर्सी गाय विदेशी गाय, उसका भी दिया, होलिस्टियन फ्रीजियन जाति की गाय का दिया, और जो भारत की गाय है देशी गाय अपनी उसका दिया। तो वैज्ञानिकों ने 6 से 8 महीना लगाया, फिर रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के बाद पता चला कि शरीर की बीमारियों को खत्म करने के लिए जितने घटक चाहिए वो सब गोमूत्र में है, सबके सब, सबके सब है। अब जैसे मैं आपको नाम लेके कहूं, आपको त्वचा का कोई भी रोग हो गया, कोई भी रोग हो गया त्वचा का, तो इसका माने आपके शरीर में एक घटक कम हुआ। घटकों की कमी से ही रोग होते हैं, वो घटक का नाम है सल्फर, एक केमिकल कम होता है जिसका नाम है सल्फर। जिनको भी स्किन डिसीज होंगी उनके शरीर में सल्फर कम हो जाएगा, यह है बात। अब गाय के मूत्र में भरपूर मात्रा में है सल्फर, भरपूर। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये त्वचा रोग वालों को इकट्ठा करके सल्फर चाहिए, तो सल्फर हम चाहे तो होम्योपैथी में दे सकते थे उनको, सल्फर चाहे तो आयुर्वेद में भी दिया जा सकता था, हमने ना होम्योपैथी में दिया ना आयुर्वेद में दिया। उनको कहा भाई गोमूत्र में सल्फर है और आपको सल्फर की जरूरत है तो आप पी के देख लो। तो उनमें से कुछ ने पिया, कुछ ने नहीं पिया, कुछ को लगा कि कैसे पिए इसमें वगैरह वगैरह बहुत सारी तकलीफें हैं। वो एक आदमी तो मुझे कहता था राजीव भाई इतनी बास आती है कैसे पी सकता हूं, और वो रोज एक बोतल दारू पी लेता था, गोमूत्र पीने में उसको बास आती थी। तो मैं उसको समझाता था भैया दारू की जो बास है उससे अच्छी तो ये है, लेकिन वो माना नहीं। खैर जिन लोगों ने पी लिया हमने देखा कि 1.25 महीने से ही उनके त्वचा का रंग बदलना और उनका जो रोग है वो बदलना शुरू हुआ, 3रे महीने तक आते आते संपूर्ण रोग ठीक। और क्या क्या रोग ठीक हुए, सोराइसिस ठीक हुआ जो कभी ठीक नहीं होता, आप जानते हैं एलोपैथी वाले तो कहते हैं सोराइसिस ठीक ही नहीं होता, सोराइसिस के बारे में वो कहते हैं कि आदमी मरे तो ठीक होता है, ये भाषा है डॉक्टरों की। तो वो सोराइसिस ठीक हुआ, एक्जिमा तो इतने आसानी से ठीक हुआ कि बहुत ही आसान, खुजली खाज दाद सब तरह के त्वचा रोग ठीक हुए। तो बात समझ में आई कि बागवट्टी जी सही कहते हैं। फिर हमने इसका एक्सपेरिमेंट घुटने दुखने वालों पे किया, घुटने दुखते हैं, कमर दुखती है, कंधा दुखता है, और देखा कि रिजल्ट बिल्कुल सही है, 15 से 20 दिन में ही असर है। फिर हमने इसका प्रयोग कफ वालों पे किया, खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, 20-20 साल की खांसी है, 25-25 साल की खांसी है। अब आप जानते 20-25 साल की खांसी तो दमाही हो जाती है या तो टीबी में बदल जाती है। तो उसमें देखा तो इतना तीव्र असर है इसका कि अगर आप ट्यूबरकुलोसिस के किसी भी पेशेंट को सरकार का इलाज कराएं, आप खुद कर लें ये एक्सपेरिमेंट, मैं तो 20 बार कर चुका। सरकार का इलाज आप जानते हैं, गोलियां डॉट्स की गोलियां टीबी के मरीजों को देते हैं और कहते हैं हम फ्री में बांट रहे हैं। तो एक आदमी को आप बोलो कि डॉट्स खाए और इलाज कराए, और दूसरा ऐसा ही आदमी पैरेलल ले लो जिसको टीबी है, अस्थमा है, दमा, उसको को नहीं तुम सिर्फ गोमूत्र पियो और कुछ मत करो, फ्रेश गोमूत्र माने फ्रेश जो ताजा। तो आप देखेंगे कि वो डॉट्स की गोली खाने वाले को 4 महीने से 6 महीने लगेंगे और ये गोमूत्र पीने वाले को 1.25 महीने से 2 महीना ही लगेगा और ठीक होगा। और ये एक बार ठीक हुआ गोमूत्र पी के, इसको दोबारा टीबी नहीं आएगी, क्योंकि गोमूत्र बीमारी ही ठीक नहीं करता, प्रतिरोधक शक्ति इतनी बढ़ा देता है कि वो बीमारी भविष्य में दोबारा ना आए। तो समझ में आया कि बागभट्ट जी तो कुछ गलत नहीं बोल गए, सही। फिर हमने और एक एक्सपेरिमेंट किए कि जिनको डॉट्स दी जा रही है, ऐसे कुछ मरीज एम्स में हमने चिन्हित किए, ज्यादा एक्सपेरिमेंट हमने एम्स के डॉक्टरों की मदद से किए। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के कुछ मरीज जिनको डॉट्स दी जा रही है, नियमित रूप से टीबी के लिए वो आते हैं, उनको शीशी में भर भर के ये दे दिया और ये नहीं कहा कि ये गोमूत्र, क्योंकि कहो तो खाए नहीं और पिए नहीं, उनको कहा ये बहुत अच्छा सीरप है आप इसको पीते रहो। अब वो आते थे शिकायत करते थे कि ये कैसा सिरप है, इसमें कुछ बास सी आती है, दूसरे सिरप तो मीठे मीठे लगते हैं कि भाई ये सिरप दूसरे तरह का। तो उनको बताएं तो पिए नहीं और हमारा एक्सपेरिमेंट हो नहीं तो हमें तो करना था, तो उनको बताया गया। तो ये हमने देखा कि डॉट्स का जो काम करने का है
डॉट्स माने उसके जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसके घटक जो शरीर पर काम हो रहे हैं, गोमूत्र पीते ही उनके काम करने की शक्ति 20 गुने से 40 गुनी बढ़ गई। डॉट्स तो काम कर ही रही है, लेकिन गोमूत्र के साथ जब डॉट्स दी गई तो वही उनकी बीमारी जो 6 महीने में खत्म होने वाली थी वो 2-2.5 महीने में संपूर्ण जड़ से ठीक हो गई। फिर जब वो ठीक हो गए तब उनको हमने बताया कि भैया वो शीशी में भर के जो दिया था वो गोमूत्र था, तो तुरंत नाक चढ़ गई उनके, ठीक हो गए। कहते हैं जी आपने तो बहुत अच्छा कर दिया, हमको हमारी संभावना नहीं थी कि हम जिंदा भी बचेंगे, लेकिन नाक तब भी चढ़ गई। तो ये जो नाक चढ़ती है हमारी, ये अब कम कर दीजिए इसको चढ़ाना। गाय का मूत्र अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। इसके हम एक्सपेरिमेंट करते करते 48 रोगों तक पहुंचे हैं आज। 48 डिसीज हैं, 48 रोग हैं वात के, कफ के, पित्त के, तीनों के जड़ से खत्म होते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही आप अपने कमेंट द्वारा हमें अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।